नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ आपका आपके ही चैनल टेक दुनिया 2 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो कि मध्य प्रदेश भवन सन्निर्माण कार्ड होता है, जो कि मजदूरी कार्ड होता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसको बनवाने के बारे में पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया था। तो दोस्तों अगर आपने भी इसका आवेदन किया है अपने नज़दीकी लोक सेवा केंद्र में और अपना आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि आपका कार्ड बना है और अगर आपका ये आवेदन स्वीकृत हो चुका है तो आपको एक कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो जानेंगे पूरी जानकारी। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर जो गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और वहां पे टाइप करना है MPE डिस्ट्रिक्ट। आप जैसे ही टाइप कर एंटर करेंगे आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जो कि लोक सेवा केंद्र ई डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जो कि MPE डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है, वह है आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी प्रकार के प्रमाण पत्र हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों हम जानने वाले हैं जो कि हम मध्य प्रदेश का जो कि भवन सन्निर्माण कार्ड होता है उसका स्टेटस। तो सिंपल सा दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का जो देख रहा है जो कि आवेदन की स्थिति है। तो दोस्तों जो कि आवेदन की जो कि आपकी स्थिति होती है वह तीन प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, या कि पंजीयन क्रमांक जो कि आपको एक रसीद मिली होगी जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही एंटर करके, या कि आपके जो कि रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उस मोबाइल नंबर के तहत, और तीसरा है डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट के द्वारा। तो सिंपल सर दोस्तों हम जानने वाले हैं जो कि पंजीयन, जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि हमको स्लिप में मिला था। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको पंजीयन क्रमांक से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो सिंपल सा दोस्तों आपको यहाँ पे जो कि पंजीयन क्रमांक, तो यहाँ पे अपना जो कि आपके स्लिप में होगा यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे एंटर करना है, और आपके सामने जो एक कैप्चर दिख रहा है यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे खोजे जो कि सर्च है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इसको एंटर करते हैं और देखते हैं आगे की। तो सिंपल सा दोस्तों हमने जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है, और आपके सामने जो कि ये कैप्चा है ये एंटर करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे खोजे जो कि सर्च है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने जो कि आपका आवेदन है यहां पे ओपन हो जाएगा, जो कि आपके आवेदन की पूरी जानकारी है यहां पे आ जाएगी। यहां पे जो कि आवेदक का नाम है, जो कि पता है यहां पे, और जो कि यहां पे जो कि पंजीयन का दिनांक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहां पे जो कि टारगेट डेट दी गई थी, और निराकरण का दिनांक। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं निराकरण की स्थिति, तो यहाँ पे जो कि निराकरण की डेट है वह 10/2/2021। तो दोस्तों यहाँ पे 10/2/2021 को इसका निराकरण हो चुका है जो कि हमारे जो कि आवेदन का पूरी तरह से स्वीकृत हो चुका है। तो सिंपल सा दोस्तों बात करें यहाँ पे दस्तावेज प्रमाण पत्र की विवरण की, तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे कि हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आवेदन है, यहाँ पे पूरी जानकारी आ जाएगी। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और बात करें अभी स्वीकृति की, तो सिंपल सा दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो कि आपको एक रसीद मिली होगी वो ओपन हो जाएगी। और बात करें दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट की, जो कि डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया था, तो जो कि डॉक्यूमेंट है दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्म होता है जो हमने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताया था, तो ये फॉर्म को ऐसे फिलअप करना है। और बात करें दोस्तों दूसरे डॉक्यूमेंट की, तो जो कि दूसरा डॉक्यूमेंट है सिर्फ आधार कार्ड है। और बात करें दोस्तों जो कि प्रमाण पत्र है, जो कि स्वीकृत होने के बाद जो कि एक आदेश जारी होता है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। कार्यालय ऑफिस ऑफ CO जनपद पंचायत बिजराहोगढ़, जो कि पंजीयन क्रमांक है, यहाँ पे पंजीयन का आदेश है, आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी का सत्यापन कराया गया, जानकारी सत्य पाए जाने के कारण लिए गए निर्णय के अनुसार आवेदन स्वीकृत किया जाता है, पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से फोटो और परिचय पत्र जारी किया जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों ये जो कि हमने आवेदन किया था ये पूरी तरह से स्वीकृत हो चुका है और जनपद जो कि एमपी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा पूरी तरह से स्वीकृत हो जाने के बाद ये आदेश जारी हो गया। तो सिंपल सा दोस्तों आपको इसको प्रिंट कर लेना है और इसको प्रिंट करने के बाद आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके आपको अपने नज़दीकी जो कि जनपद केंद्र होता है दोस्तों जनपद केंद्र तो वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद दोनों को सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आप उसको देंगे तो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपका जो कि भवन सन्निर्माण कुछ इस तरह का होता है ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप आवेदन कर जो कि आपका भवन एवं सन्निर्माण कार्ड होता है बनवा सकते हैं और कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ